मेरे प्यारे बच्चे, आज हम फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी लेकर आ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऊंचाई और दूरी संबंधी आप लोग पार्ट वन, पार्ट टू तथा पार्ट थ्री वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। पार्ट वन, पार्ट टू तथा पार्ट थ्री वीडियो में प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर दो और प्रश्न नंबर तीन, चार, पाँच, छः कर लिए थे। आज हमें प्रश्न नंबर सात के बारे में क्या करना है बच्चों, अध्ययन करना है। प्रश्न नंबर सात का हम क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखे हैं। प्रश्न नंबर सात जो क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि मतलब एक आप लोग का भवन है जिस भवन का ऊंचाई कितना है बच्चों 20 मीटर है और उस भवन पे क्या किया गया है एक संचार मीनार लगाया गया है। तो जो संचार मीनार लगाया गया है तो कोई व्यक्ति जो आप लोग नीचे खड़ा है यदि वह व्यक्ति शिखर पे देख रहा है तो 60 डिग्री कोण बना है, यदि वो मतलब संचार मीनार के तल पे देख रहा है तो 45 डिग्री का बना बच्चों लोग यहाँ पे कोण बना है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, ए बी निकालना होगा। जब तक हम ए बी नहीं निकालेंगे तब तक ए सी प्राप्त नहीं होगा। तो उसी के आधार पे बच्चों क्या किया कोई लेट कर लिए अर्थात मान लिए हैं। देखा है माना कि भवन की ऊंचाई बी सी बराबर 20 मीटर है तथा संचार मीनार की ऊंचाई ए सी है जो हमें ज्ञात करना है निकालना है। संचार मीनार के तल का आप लोग का जो उन्नयन कोण कौन डिग्री है 45 डिग्री है तथा उसी संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है तो बच्चों 60 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई का निकालना है एसी निकालना है। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला समकोण त्रिभुज का नाम है बच्चों बी सी डी और दूसरा का नाम क्या है बच्चों यहाँ पे ए बी डी। तो हम दोनों ही समकोण त्रिभुज लेकर आ दिए गए संचार मीनार की ऊंचाई क्या करते हैं बच्चे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में जब बच्चों बी सी डी में जाएंगे तो यहाँ पे बी सी बराबर दिया है 20 मीटर, हमें निकालना क्या है तो बी डी। जब तक हम बी डी नहीं निकालेंगे तब तक ए बी संभव नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज के दृष्टिकोण से पी दिया है, हमें बी क्या करना है बच्चों फाइंड करना है। तो पी और बी का जो रिलेशन है वो किसका है तो बच्चों टेन का है। आप लोग पढ़ के टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी अपन बी होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग टेन थीटा बराबर पी अपन बी अर्थात टेन थीटा बराबर पी का वैल्यू कितना दिया था बच्चों लोग बी सी और अपन बी का मान कितना होगा लोग बी डी। तब यहाँ पे मान क्या करेंगे पुट करेंगे तो टेन यहाँ पे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में जो यहाँ पे न्यून कोण क्या है तो बच्चों लोग 45 डिग्री है। तो क्या लेंगे टेन 45 डिग्री बराबर बी सी का वैल्यू दिया है 20 मीटर और अपन क्या दिया था बच्चों बी सॉरी बी डी। तो ध्यान दीजिए टेन 45 से वैल्यू होता है 1 और बराबर 20 अपन बी डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा बी डी आ बराबर 20 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो जो बी डी का वैल्यू कितना आ गया तो 20 मीटर आ गया। अब लिखेंगे फिर अगेन, अब कहाँ जाएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। जब बच्चों ए बी डी में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग इसमें क्या लगे टेन की जो हमें ए बी निकालना है आप लोग बी डी दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टेन थीटा बराबर ए बी अपन बी डी। तो यहाँ पे देखिए जब समकोण त्रिभुज जब लोग ए बी डी में जाएंगे हम लोग तो कितना दिया है होल 60 डिग्री दिया है। तो टेन 60 बराबर ए बी का वैल्यू हम लोग को मालूम तो है नहीं और अपन बी डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 20 आ गया है। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है रूट 3 बराबर ए बी अपन 20। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 20 रूट 3 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी का मान कितना आ गया 20 रूट 3 मीटर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा नहीं, हमें क्या निकालना है बच्चों ए सी निकालना है। आप लोग नाइन्थ में पढ़े होंगे कि जो यहाँ पे आप लोग का जो पूर्ण होता है अपने भागों के योग से क्या होता है बराबर होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे ए और तो संचार, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बच्चों ध्यान दीजिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा जब हम पूर्ण में से उसके भाग को घटाएंगे तब लोग ए सी प्राप्त होगा अर्थात जब ए बी में से हम बी सी को घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा ए सी। तो क्या लिखेंगे ऊंचाई आप लोग ए सी बराबर क्या हो जाएगा
ए बी और माइनस बी सी। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे संचार मीनार की ऊंचाई ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना आ गया 20√3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 20√3 और माइनस बी सी कितना दिया था बच्चों, यहाँ पे बी सी कितना दिया था हम लोग यहाँ पे 20, दोनों में क्या कॉमन आएगा 20, तो कितना बच जाएगा √3 - 1 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 20 × √3 - 1 मीटर, जो हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आई होप सभी बच्चों को प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 7 समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 8 भी बहुत बड़ा लॉन्ग होने के कारण हम प्रश्न को नहीं लिख पाए हैं, लेकिन प्रश्न को आप लोग हम समझा दे रहे हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक पेड़ स्टल है, क्या है बच्चों एक पेड़ स्टल है, उस पेड़ स्टल पे 1.6 मीटर ऊंचा लंबा का किया गया तालों की मूर्ति लगाया गया है। तो एक व्यक्ति क्या करेगा यदि वह मूर्ति के शिखर पे देख रहा है तो उसका उन्नयन कोण क्या बना है 60 डिग्री, तथा वही व्यक्ति उसी बिंदु से यदि पेड़ एस्टल के शिखर को देख रहा है तो उन्नयन कोण कितना बना है बच्चों 45 डिग्री बना है। तो कह रहा है कि पेड़ एस्टल की जो लंबाई है वो कितना होगा, पेड़ एस्टल की जो ऊंचाई है वो कितना होगा, हमें क्या करना है तो प्राप्त करना है। उसके लिए क्या किए बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मान चुके हैं, माना कि मूर्ति की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है था बच्चों 1.6 मीटर, तथा पेड़ एस्टर की ऊंचाई हम कितना मान लिए हैं एक्स मान लिए हैं, कितना मान लिए हैं बच्चों हम लोग एक्स मान लिए हैं। बस मेरे आप लोग मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। हाँ बच्चों यदि यह व्यक्ति मूर्ति को शिखर को देख रहा है तो कौन डिग्री उन्नयन कोण बना है 60 डिग्री बना है, तथा पेड़ एस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है तो बच्चों लोग यहाँ पे 45 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि आप लोग ए सी मतलब ए बी बराबर कितना दिया है 1.6 मीटर और बी सी बराबर कितना दिया है बच्चों एक्स। तो हम यहाँ पे आप लोग का ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी और प्लस बी सी, क्यों, क्योंकि 9th में आप लोग परिमेय पढ़े होंगे कि जो पूर्ण होता है अपने भागों के योग से क्या होता है बराबर होता है। तो हम उसी प्रकार क्या किए बच्चे ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी कर दिए हैं, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू कितना दिया है 1.6 और प्लस एक्स, अर्थात ए सी बराबर एक्स प्लस 1.6। अब यहाँ पे क्या लेंगे समकोण त्रिभुज क्रमशः ले लेंगे, तो लेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में जब समकोण त्रिभुज बी सी डी में जाएंगे तो बी सी दिया है एक्स, हमें निकालना क्या है बच्चों सी डी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टेन, अर्थात पी दिया है हमें क्या निकालना है बी निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा बी सी अपन सी डी। तो टेन यहाँ पे थीटा का मान दिया 45 बराबर बी सी का मान दिया है एक्स, और सी डी का मान हमें क्या करना है बच्चों फाइंड करना है, तो टेन 45 का होता है 1 बराबर एक्स अपन सी डी, तो देयरफॉर एक्स यहाँ पे सी डी बराबर क्या आ जाएगा सी डी बराबर एक्स, अर्थात सी डी का भी वैल्यू कितना आ गया बच्चों यहाँ पे एक्स आ गया, सी डी का भी वैल्यू कितना आ गया भाई साहब एक्स आ गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप लोग ध्यान दीजिए, अब इसमें हमें क्या करना है, अब कहाँ जाएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में जब समकोण त्रिभुज ए सी डी में जाएंगे तो ए सी दिया है, बिकॉज यहाँ पे ए सी हम फाइंड ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, हमें निकालना क्या है बच्चों यहाँ पे सी डी भी आप लोग एक्स दिया है, तो हम क्या हमें पी और बी का संबंध क्या चीज होता है बच्चों आप लोग यहाँ पे क्या होता है टेन से होता है, तो हमें क्या लिखेंगे टेन थीटा बराबर ए सी अपन सी डी, तो टेन इसमें थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री बराबर ए सी का वैल्यू कितना दिया बोलो एक्स प्लस 1.6 और अपन सी डी के वैल्यू कितना है तो बोलो यहाँ पे आप लोग का एक्स आ गया है। अब टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर एक्स प्लस 1.6 अपन एक्स, तो यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कितना जाएगा √3x बराबर एक्स प्लस 1.6, तो √3x माइनस एक्स बराबर 1.6। तो बच्चों ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन एक्स तो क्या बच जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे जो एक्स में जो आप लोग √3 - 1 है वो क्या चीज ग्रुप में है बच्चों, तो यहाँ पे गुना ग्रुप में है, क्या चीज ग्रुप में भाई सब यहाँ पे तो आप लोग का गुना ग्रुप में है, जब इधर गुना के रूप में जाएगा तो भाग हो जाएगा है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एक्स बराबर 1.6 अपन √3
माइनस वन। अब देखिए बच्चे जो हर है वो क्या चीज के रूप में है, रूट में है, अर्थात हम लोग अपरिमेय है, इसे हमें क्या करना होगा, परिमेय बनाना होगा। तो हमें क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। तो हरों का परिमेयकरण पढ़े हैं बच्चों, द्वि पद में संकेत क्या होता है, चेंज होता है, और अण सर्व दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो x बराबर 1.6 अपन रूट थ्री माइनस वन आई इंटू रूट थ्री प्लस वन अपन रूट थ्री प्लस वन, क्योंकि माइनस क्या कर दे प्लस बना देंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1.6 आई इंटू रूट थ्री प्लस वन अपन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर। अब देखिए बच्चे यहाँ पे रूट थ्री माइनस वन आई इंटू रूट थ्री प्लस वन किसका फॉर्मूला है बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट थ्री का स्क्वायर है माइनस वन का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक्स बराबर 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस वन अपन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और माइनस वन का स्क्वायर वन। तो बच्चों देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 आई इंटू रूट थ्री प्लस वन अपन टू, और जब 0.6 में होगा हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके कितना होगा 0.8 होगा। तो एक कट जाएगा बच्चों, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 0.8 आई इंटू रूट थ्री प्लस वन मीटर। फॉर पेड़ एस्टल की ऊंचाई BC बराबर क्या है 0.8 आई इंटू रूट थ्री प्लस वन मीटर, जो हमारा क्या है आंसर है। आई होप सभी बच्चों को प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 समझ आ गया होगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन लेकर आएंगे, उस तक जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।